फैमिली, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेहर की जहाँ में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए जो अपने अपना कंटेंट लेके आई हूँ वो ये है कि काफ़ी दिनों से मेरी एक सब्सक्राइबर है और वो मुझे बोल रही है कि आप पार्टी वेयर अबाया पहने और उसमें मुझे पूरा फुल रेडी होके दिखाएं पार्टी वेयर अबाया में। तो बस आज मैं उनकी ख्वाहिश पूरी करूँगी क्योंकि वो काफ़ी दिनों से मुझे इंसिस्ट कर रही हैं इस चीज़ के लिए और मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड किए और उनकी बात को इग्नोर किया, लेकिन इग्नोर नहीं किया था, मेरे पास अबाया था नहीं। तो मैं अब जाऊँगी और ख़रीदूँगी और लेकर आऊँगी और उनकी ये ख्वाहिश पूरी करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को और व्यूवर्स जो भी नए हों चैनल को देखने वाले वो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बस हम रेडी हैं और अब हम जा रहे हैं मार्केट। मार्केट में मुझे थोड़ा सा किचन एसेसरीज भी लेनी थी, तो किचन का कुछ सामान लेके और अबाया लेके फिर मैं वापस आके फिर वीडियो शूट करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको मार्केट में। तो मैं सबसे पहले आ चुकी हूँ किचन का सामान लेने, जो कि बहुत ज़रूरी था। मैंने सोचा था कि मैं रमज़ानों में ख़रीदारी करूँगी पर मुझे बहुत ज़्यादा काम था इन चीज़ों का, तो मैंने किचन के यहाँ से सामान लिए। बहुत बड़ी शॉप है और मुझे वो आपको किचन का हर सामान मिल जाएगा। कोई भी चीज़ यहाँ ऐसी नहीं है जो नहीं है, सारे गैजेट्स किचन के आपको मिलेंगे। तो बस मैंने थोड़े सामान लिए और मायरा साहब एक आइसक्रीम मेकर के ऊपर लटक गई और उसी को लेना चाह रही थी, वो उसे टॉयस समझ रही थी। तो मैंने कप्स भी ले ली क्योंकि मुझे थोड़ा सा शौक़ है नए नए बर्तनों में इस्तेमाल नए बर्तनों का करने का। ऐसा नहीं कि घर पे नहीं है पर होते हैं, पर मुझे ज़्यादा दिन तक उन्हें इस्तेमाल करते करते मेरा दिल भर जाता है। बस मेरा दिल करता है कि मैंने कोई दूसरा बर्तन लेना है, दूसरे चीज़ें लेनी है नए नए तरह की। तो बस मैं इनकी दुकानों पर और भी सामान देख रही थी कि शायद मैं रमज़ानों में आके और भी शॉपिंग कर लूँ। फिर मैं उसके बाद अबाया की शॉप पे आ गई। एक अबाया मुझे पसंद आया और इनके पास बहुत अच्छे अबाये थे, स्टाइलिश जो न्यू हल्की फैब्रिक्स भी थी इनकी। ये ज़्यादातर टर्किश अबाये की अबाये थे इनके पास, इनकी दुकान का नाम भी इसी बेस पे है। तो मैं मार्केट से वापस आ चुकी हूँ। जैसे कि आप लोग जान रहे हो मैंने चीज़ें खरीद ली हैं। फ़िलहाल आप लोग जानते हैं कि मैं इतनी ज्वेलरी नहीं पहनती, तो उन्होंने मुझसे ये फरमाइश की है कि मैं ग्लव्स भी अबाये पे पहनूँ और उस पर चूड़ियाँ भी डालूँ और रिंग्स भी पहनूँ। तो मुझे तो चूड़ियाँ तो रखी हुई थी, वैसे मैं चूड़ियाँ पहनती ही नहीं हूँ, तो इसलिए जो रखी थी वही चूड़ियाँ मैं पहनूँगी और रिंग्स मैं पहनती नहीं। जो मेरे पास गोल्ड की ज्वेलरी है तो अबाया पे मैं वही वेयर करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी फ़िलहाल अपना अबाया भी जो मैंने ख़रीदा है, ज्वेलरी भी और मेरा सामान जो जो मैंने पहनना है। तो ये मैंने चूड़ी उस पर पहननी है, एक तो ये कलर में एक ये, क्योंकि अबाया मैंने पार्टी वेयर लिया हुआ है। और ये मेरी गोल्ड्स की रिंग है और ये गोल्ड्स का मैंने देखा माथा पट्टी भी ये था, तो मैंने कहा मैं लगा के देखूंगी अगर प्यारा लगेगा अबाया पे। टर्किश अबाया मैंने लिया था। तो ये ज्वेलरी बॉक्स में सारी ज्वेलरी रखी और ये ग्लव्स हैं और इन सारी चीज़ों के साथ मैं लेके आई हूँ अबाया। मैंने ये टर्किश अबाया लिया है जो बहुत ही प्यारा लग रहा था मेरे ऊपर पहनने के बाद। तो बस मैं आपको रेडी होके इसमें उनकी फरमाइशी व्लॉग को बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैंने दुपट्टा नहीं लगाया है पर मुझे नहीं पता कि मैं कैसी दिख रही हूँ। मैंने आपकी कहने पे देखे अंगूठियाँ भी पहननी है, चूड़ियाँ भी पहननी है, ठीक है, और उधर हाथ में भी चूड़ियाँ पहननी, वीडियो बनाने वाली मैं खुद हूँ। तो अभी मैं दुपट्टा लगा के आपको फाइनल लुक दिखाती। तो मैंने सब कुछ पहन लिया आपकी फरमाइश पर जो आपने बोला था मुझे, और ये है मेरे अबाया का लुक जो पूरा नहीं आ रहा है क्योंकि वीडियो शूट करने में मैं अकेली हूँ। तो ये टर्किश अबाया मैंने लिया था पार्टी वेयर, जिसका लुक ऐसा है कुछ, पूरी फ्रॉक बनी हुई है यहाँ से नीचे तक, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे अबाया का लुक है पूरा फुल चेन के साथ। तो आपने मुझे नहीं बोला था माथा पट्टी के लिए पर ये मेरे पास थी, तो मैंने कहा जब मैं ब्राइडल लुक में आ रही हूँ अबाये को पहन के तो फिर मैं जो है माथा पट्टी भी लगा लेती हूँ। तो मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है। खैर बहुत ही प्यारा अबाया है ये, बहुत खूबसूरत भी लग रहा है। मैंने दुकान पर जब इसे ख़रीदा है तो वहाँ ट्राई किया था, काफ़ी लड़कियाँ खड़ी हुई थी, मुझे बोल रही थी कि आपके ऊपर बहुत जच रहा है, तो मैंने ले लिया है फ़िलहाल।
तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे ऊपर अबाया कैसा लगा। खैर मुझे तो बहुत प्यारा दिख रहा था और अबाया बना भी बहुत खूबसूरत है। वो उसने स्टाइल आया ना उर्दुगुल गाजी में जैसे ड्रेस पहनती थी सारी टर्किश लड़कियाँ ना, उस तरीके से ये बनाया हुआ है और मुझे बहुत जचा है। मैं इसका ब्लैक ढूंढ रही थी, फिर मैंने मुझे याद आया कि आपने मुझे ब्राइडल लुक पे बोला है, तो फिर मैंने ये कलर ले लिया और जो मेरे ऊपर सूट कर रहा था बहुत अच्छा दिख रहा था मेरे ऊपर, तो मैंने वेयर किया आपके लिए स्पेशली। आज मैंने वीडियो बनाई है वरना मैं ब्लॉग नहीं डालती थी क्योंकि जो है थोड़ा सा मेरे चैनल पर मुझे ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग मुझे बताइएगा कि सर्चिंग में मेरा चैनल आ रहा है। और दूसरे ये कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए, आपके लाइक से मुझे मेरी वीडियो सर्चिंग में जाएगी और आगे भी बढ़ेगी। तो आज के लिए बस यही कि मैं छोटा सा ब्लॉग डालने आई थी आपके लिए इस अबाय में। तो अल्लाह हाफिज़, दुआओं में हमें याद रखिएगा।